होगी क्योंकि जब तक इनकी जड़ें नहीं हिलेगी ये हम एससी एसटी ओबीसी समुदाय हर रोज किसी को जेल में मारेंगे, किसी को पेट्रोल डाल के मारेंगे, किसी को बलात्कार से, इन सबकी कोई जरूरत नहीं। आपको हर उस जगह खड़ा रहना है जहाँ पे अन्याय हो रहा है, कब तक बर्दाश्त करेंगे। आज इस कार्यक्रम राजस्थान से आने के दो मुख्य कारण है। एक तो ये कि बेटी किसी की भी हो उसके साथ गलत होता मैं नहीं देख सकती, आपको भी नहीं देखना चाहिए। और दूसरा कारण वास्तव में इस देश को, इस देश की बीजेपी सरकार को जो हमारे साथ गलत कर रही है उसे जरूरत है एससी एसटी ओबीसी एकता देखने की। तो मैं एक नारा दूंगी, एससी एसटी ओबीसी एकता जिंदाबाद, 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 एससी एसटी ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे यही चाहती हूँ कि आज ओबीसी समाज की बेटी के साथ हुआ है, हम सब आए हैं, वैसे कहीं एससी समुदाय के साथ हो, एससी समुदाय के साथ हो, इसी तरीके से हमेशा एससी एसटी ओबीसी समुदाय साथ में हक अधिकार के लिए और न्याय के लिए आवाज उठाए, क्योंकि इसकी सख्त जरूरत है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे बीजेपी सरकार नहीं हिलेगी। और जैसा कि सीमा दीदी ने कहा, हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है वो वोट है। 2023 में क्या करना है आपको, ये आप समझ चुके हो। जरूरत है आपको तख्ता पलट करने की, क्योंकि जब तक इनकी जड़ें नहीं हिलेगी ये हम एससी एसटी ओबीसी समुदाय हर रोज किसी को जेल में मारेंगे, किसी को पेट्रोल डाल के मारेंगे, किसी को बलात्कार करके मारेंगे। शरणीय है उसको 60 साल के अरुण मिश्रा को एक 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार करते हुए, कहा गए उनके संस्कार जो बड़े बड़े ग्रंथों में लिख दिए, वो 13 साल की लड़की बच्ची नहीं लगी उनको। बस इतना ही कहना चाहूंगी, हर उस जगह खड़ा रही है जहाँ न्याय हो रहा है और जिसने गलत किया है उसको सजा हो।